जय हिंद, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एजे स्टडी बाइडी पर। दोस्तों, मैं भी आ चुका हूँ एमपी पुलिस को ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो साथियों, आज की इस वीडियो बहुत ज़्यादा खाई सुनने वाली है, बहुत ज़्यादा अपडेट लेकर आया हूँ आप सभी के लिए, बहुत खुशखबरी लेकर आया हूँ। क्यों साथियों, जो बच्चे रिजल्ट को लेकर इंतजार कर रहे हैं एग्जाम के बाद, बहुत सारे बच्चे, उन सभी के लिए है। और साथ में आप सभी के जो कट ऑफ इस बार का देखोगे ना भाई, पगला जाओगे, बहुत खतरनाक कट ऑफ जाने वाला है, बहुत लो समझो कि एक तरह से खुशखबरी है आप सभी के लिए, बहुत बढ़िया खुशखबरी, बहुत बढ़िया अपडेट है। वीडियो को लास्ट तक बन रहना और चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लो, अभी जाकर चैनल सब्सक्राइब कर दो, नीचे लाल कलर का बटन है दबा दो, क्योंकि आपको अपडेट सबसे पहले मिलते रहेंगे। तब इंतजार मत करो, पहले लाल कलर का बटन दबा दो, नोटिफिकेशन को ऑन कर लो और लाइक कर दो सबसे पहले अपडेट पाने के लिए। सबसे पहले देखो, मैं ऑफिशियल वेबसाइट का खोल लिया हूँ। सबसे पहले साथ मैं समझाने के लिए एक दूसरा पेज मैं ओपन कर ले रहा हूँ। तो इधर हमने पेज ओपन कर लिया एमपी पुलिस 2023 की तरह के। तो साथियों, जो आपका रिजल्ट के बारे में बता रहा हूँ, रिजल्ट कब आ रहा है, कैसे रिजल्ट चेक करना है वो तो बताने रहा हूँ, उसके साथ आप सभी को बता रहा हूँ आपका कट ऑफ के बारे में, कट ऑफ इस बारे में कितना जा रहा है, क्योंकि लोग जो है बहुत सारे बेवकूफ़ बनाने में लगे रहते हैं, वीडियो बनाने के लिए कुछ भी करने लगते हैं। तो इस बार का जो कट ऑफ जाने वाला है, आप सुनकर भाई बहुत ज़्यादा खुश होगे, क्योंकि समझ में आएगा ना। देखो यार, कट ऑफ के बारे में बात करो, जब से आप सभी का एमपी पुलिस का एग्जाम हुआ था, पुलिस का पहली बार लगभग 2-3 साल के आंकड़ा में पहली बार ऐसा हो रहा है जो एमपी पुलिस का कट ऑफ बहुत ज़्यादा लो जा रहा है। कितना लो जा रहा है, कितना नंबर है आपका, कितना नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा, ओबीसी हो तो कितना अंक लाना है, एससी हो तो कितना अंक लाना है, एसटी हो तो कितने अंक लाने होंगे, जनरल हो तो कितने अंक लाने होंगे, ईडब्ल्यूएस हो तो कितना, सारा कुछ बताया हूँ, बॉयज गर्ल्स सबके लिए है, समझे ना। तो इसलिए देखते रहो। सबसे पहले बात कर रहा था साथियों आपका जो कट ऑफ के बारे में, आप सभी का सब, इसके अलावा बात करूँगा सबके रिजल्ट के बारे में, रिजल्ट इसका कब आ रहा है, कैसे रिजल्ट चेक करना, सब कुछ। सबसे पहले बात करता हूँ कट ऑफ के बारे में। तो यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका कट ऑफ बता देता हूँ, मैं जल्दी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप सभी का बोरिंग ना लगे। बॉयज गर्ल्स के लिए तो जो बॉयज के लिए जो कट ऑफ है यहाँ पर मैं बताता हूँ, जनरल कैटेगरी के लिए जो बॉयज अगर देख रहे होंगे, बॉयज के लिए जो कट ऑफ है यहाँ पर रखा गया है वो है यहाँ पर 65 से लेकर 70। गर्ल्स के लिए जो है यहाँ पर 63 से लेकर 63 प्लस है, यानी 63 प्लस रहेगा तो जनरल कैटेगरी से सिलेक्शन हो जाएगा, ग्रांटेड। समझ में आएगा ना, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। दूसरा क्या बात कर लेता हूँ साथियों, जनरल के लिए मैं बात कर ली, अब बात कर लेता हूँ ओबीसी के लिए, और कि ओबीसी के लिए पहले बात कर लेता हूँ उसके बाद आगे बात करता हूँ। ओबीसी के लिए जो कट ऑफ गया साथियों इस बार तो और खतरनाक गया है, बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए। जो बॉयज के लिए कट ऑफ है साथियों वो है यहाँ पर, आपको मैं लिख देता हूँ ब्लू कलर से, जो आपका बॉयज के लिए जो कट ऑफ गया साथियों यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको 58 से लेकर 65 के बीच में। अगर 58 प्लस है तो कोई नहीं रोकेगा भाई, कोई नहीं रोकेगा 58 प्लस है तो होने में। और जो ओबीसी का गर्ल्स के लिए जो कट ऑफ गया इस बार यहाँ पर 56 प्लस गया है, बहुत बड़ी खुशखबरी है एक तरह से ओबीसी एससी एसटी सभी कास्ट के लिए। एससी के लिए बात कर लेता हूँ, आपको एससी एसटी के लिए कितना अंक चाहिए, एससी के लिए जो है साथियों आपका परसेंटेज की मैं बात कर रहा हूँ, जो अभी मैं 58% से ऊपर रहेगा तो ग्रांटेड सिलेक्शन हो जाएगा। तो एससी कैटेगरी से जो बिलोंग करते होंगे साथियों उन सभी को बताता हूँ, उनका है 55 से लेकर 60 के बीच में, बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए है, बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए 55 से लेकर 60 के बीच में। अगर 55 से ऊपर है तो उनका कोई नहीं रोक पाएगा, 55 से लेकर 60 के बीच में है तो कोई नहीं रोक पाएगा एससी कैटेगरी के लिए। उसी में बिचारों में बात करूँ आगे, एसटी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी के साथ जो है दो नंबर कम है आपका, जो उनका 53 से लेकर 60 के बीच में है, 53 से 60 है, और गर्ल्स में 51 है उनका, 51 से 60 है, लगभग 50%, तो उनका कोई नहीं रोक पाएगा एमपी पुलिस 2023 के लिए। और क्वेश्चन भी बुझा हार्ड नहीं था, बुझा इजी थे, बहुत बड़ी अपडेट खुशखबरी आप सभी के लिए चीज़ है, क्योंकि पिछला बार 70-75 कर गया था कट ऑफ, इस बार तो बहुत ज़्यादा कम चला गया है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का बहुत बड़ी खुशखबरी आपको देखने को मिल रही है। और साथ में बात करते हैं आपको ईडब्ल्यूएस के लिए, बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए कितना कट ऑफ जा रहा है। तो साथियों आपका ईडब्ल्यूएस के लिए जो कट ऑफ जा रहा है वो पहले बताता हूँ, ईडब्ल्यूएस जो कट ऑफ है साथियों यहाँ पर थोड़ा सा हाई गया है, ईडब्ल्यूएस के लिए थोड़ा हाई है, उनका है 63 से लेकर 68 के बीच में कट ऑफ जा रहा है इस बार, बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए। आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका कितना कट ऑफ गया है, आपका इस कितना अंक आ रहा है, कितना आपको अंक कैसे आपका एग्जाम दिया है, कितना मार्क्स आपका बन रहा है, मेरे को जरूर कमेंट कर बता दीजिएगा। तो ईडब्ल्यूएस का यही कट ऑफ है आप सभी को मैं दिखा दिया। और उसके साथ चलिए बात करें तो आपका रिजल्ट को लेकर, रिजल्ट को लेकर क्या इंतजार है। देखो भाई, मैं आपको कल बताया था वीडियो में रिजल्ट आ जा रहा है आपका, रिजल्ट आज नहीं आया है, तो अभी जो अपडेट लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है ऑफिशियल साइट पर कुछ देर के बाद आपको देखने को मिल जाएंगी। तो रिजल्ट अपडेट जो है आपको अभी थोड़ा सा और समय लग सकता है, क्योंकि कट ऑफ में बहुत बड़ा बदलाव आया है, तो रिजल्ट को लेकर थोड़ा सा अपडेट में थोड़ा सा लेट हो सकता है। रिजल्ट आपको कल या परसों, मतलब 3-4 दिन के भीतर आपको देखने को मिल जाएगी रिजल्ट भी। तो आपको जैसे रिजल्ट आएगा अपडेट मैं दे दूंगा आप सभी के लिए, उससे पहले मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, इधर चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखना, नोटिफिकेशन को ऑन करना, मैं लाइव आ रहा हूँ आप सभी के सामने बात करने के लिए, आपका कट ऑफ चेक करने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, नोटिफिकेशन को ऑन करना, और चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब करना। बोलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।